वेलकम टू जनसंचार अचीवर्स, मायसेल्फ रजत शर्मा। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ मीडिया के बारे में। इट मींस कि ये भी एक तरह से थ्योरी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी है। कम्युनिकेशन स्कॉलर एंड रिसर्चर मोस्टली फोकस्ड ऑन स्टडिंग मीडिया इफेक्ट्स ऑन ऑडियंसेस। इट मींस कि जो भी कम्युनिकेशन स्कॉलर और रिसर्चर हुए हैं, उन्हें मोस्टली उन्होंने फोकस करा है मीडिया के इफेक्ट्स को। मीन्स जो मीडिया है उसका ऑडियंस पर इफेक्ट क्या हो रहा है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक एसोसिएटेड विद मीडिया इज प्राइमरली क्रिटिकल इन नेचर। जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक थ्योरी है जो मीडिया से एसोसिएटेड है, वो बेसिकली क्रिटिकल इन नेचर है। इट मीन्स कि उसको हमेशा कटाक्ष करा गया है, उसका उसको रिव्यू करा गया है काफ़ी क्रिटिकल तरीके से। टुडे मीडिया स्टडीज फॉलो मार्क्स इन पॉलिटिकल इकोनॉमी where it is fundamentally interested in studying communication and media as commodities produced by capitalist industries. It means कि जो political economic theory है जिसमें media work करती है, ये basically Marxian political economic पे base है। जिसका ये मतलब है कि जो भी ये theory है उसका main focus क्या है। उसका main focus है कम्युनिकेशन को स्टडी करना, लेकिन किस तरीके से जो जो मीडिया है ये उसको जिसका प्रोडक्ट उसको कमोडिटी मानते हैं। मीन जिसकी ट्रेडिंग करी जाती है, जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट है उसकी हम ट्रेडिंग करते हैं, जो कमोडिटी होती है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो कम्युनिकेशन को एक तरह से कमोडिटी मानते हैं, जो किसके द्वारा इसको प्रोड्यूस करा जाता है, कैपिटलिस्ट। जैसे कैपिटलिज्म आपने सुना होगा, उसी पर ये बेस है। Political economy has two distinct approaches of study. First, broadcasting dominated by state-funded public service broadcasters such as BBC, which follows Marxist approach, and the other is American media, which is commercial in nature based on economics of media ownership. अब जो political economy है उसके दो most important approaches हैं। First क्या है, जो broadcasting है वो डोमिनेटेड है गवर्नमेंट के द्वारा। इट मींस कि उसका टोटल कंट्रोल है, जो भी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है उसका टोटल कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के अंडर है। जैसे बीबीसी, आपने सुना होगा काफ़ी फेमस नेम है बीबीसी, जो कौन सा रूल फॉलो करता है, ये मार्क्सिस्ट अप्रोच फॉलो करता है। मीन जैसे जो वर्किंग क्लास के पास पावर होती है, जैसे हमने पहले पढ़ा, इसमें क्या है, गवर्नमेंट जो सुप्रीम पावर है, जो वर्क कर रही है वो गवर्नमेंट है, वो सुप्रीम पावर है। और नेक्स्ट है अमेरिकन मीडिया, विच इज़ कमर्शियल इन नेचर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ मीडिया ओनरशिप। और दूसरी तरह की अप्रोच है कमर्शियल अप्रोच, जैसे कि हमारा अमेरिकन मीडिया है वो कमर्शियल है नेचर में, और जो इसके इकोनॉमिक्स है वो मीडिया ओनरशिप पर बेस्ड है। इट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन जो है मीडिया की, वो उनका कमर्शियल एस्पेक्ट है। फर्स्ट उनका काम क्या है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मीन्स फाइनेंसिस इकट्ठे करना। देयरफॉर पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ मीडिया हैज़ फोकस ऑन कमोडिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इट मीन्स कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक है मीडिया की, उसका बेसिक फोकस क्या है, उसका बेसिक फोकस है इंफॉर्मेशन को कमोडिटीफाई करना, मतलब उसको इसे कमोडिटी के रूप में प्रेजेंट करना। Content produced by media are assigned monetary and economic value in the process termed commodification. It means कि जो भी content है जो media के द्वारा produce करा जा रहा है, उसको एक monetary या economic value दी जाती है, जिसको हम commodification कहते हैं। These products are sold to customers and buyers for profit. और ये जो भी product है, इसको customer को और buyers को बेच दिया जाता है प्रॉफिट के लिए। जैसे कि मल्टीपल कॉपीज ऑफ बुक सेलिंग एडवर्टाइजिंग स्पेसेस इन न्यूज़पेपर, एयर टाइम टू एडवर्टाइजर एक्सेट्रा। जैसे जो एक बुक है उसकी मल्टीपल कॉपीज कर दिए जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ सकें। और जैसे कि न्यूज़पेपर में आप देखते हैं एडवर्टाइजिंग स्पेस होते हैं, उनको बेचा जाता है, एयर टाइम है रेडियो में, टीवी में, वो भी बेचे जाते हैं। Digitization has enabled media companies to add related media businesses in process called vertical integration. जो digitization है उसने media companies है उनको enable कर दिया है कि जो उनके related media business है वो उसको combine कर सकें।
जिसको वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। जैसे एक कंपनी प्रोड्यूस, जैसे कोई पर्टिकुलर कंपनी है, जैसे कोई मूवी प्रोड्यूस कर रही है कोई कंपनी, और उसका अपना प्रोडक्शन हाउस है, पोस्ट प्रोडक्शन है उसकी, सब कुछ अपने, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अपना है, और जहाँ पे उसको हमने प्रोड्यूस करा वो भी अपना हो गया, और जहाँ पे उसको हमने व्यू करना है, जैसे उसका कोई मल्टीप्लेक्स है वो भी अपना है, जिसको हम वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। इट लोअर्स ट्रांसमिशन कॉस्ट, सेम कंपनी ओन्स मोस्ट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मैंने पहले बताया, इससे जो हमारी कॉस्ट है वो बेनिफिशियल हो जाती है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है। जैसे एक पर्टिकुलर कंपनी है, जैसे सोनी है, उसका अपना प्रोडक्शन हाउस है, सोनी का अपना थिएटर्स हैं, इस टाइप से। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन अकर्स व्हेन एंटरप्राइजेस ऐड मोर कंपनीज दैट ऑपरेट इन सिमिलर लाइंस। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होता है जब एंटरप्राइजेस होती है वो और ज़्यादा कंपनी ऐड कर लेती है, जो एक सिमिलर, मतलब जो सिमिलर काम कर रहे हैं वो सारी कंपनीज ऐड हो जाती है। अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज मीडिया कंसंट्रेशन, वेयर वन और फ्यू मीडिया कंपनीज डोमिनेट होल मार्केट। अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मीडिया कंसंट्रेशन, वेयर जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा जो मीडिया कंपनीज हैं वो डोमिनेट करती हैं सारी होल मार्केट को। जैसे मान लो कोई, जैसे हमारा किसी टाइम पे दूरदर्शन हुआ करता था, हमारे पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं थे, तो दूरदर्शन जो है वो ब्रॉडकास्टिंग मार्केट को डोमिनेट करता था, क्योंकि हमारे पास और कोई सब्सिट्यूट नहीं था। दे आर जनरली कॉल्ड ट्रांस नेशनल मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस 1991, अ नीड फॉर इम्पोर्टेंट टेलीकम्युनिकेशन वॉज फेल्ट। इनको जनरली ट्रांस नेशनल मीडिया कॉन्ग्लोमरेट भी कहते हैं। जैसे जो हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे 91 के आसपास, तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ी, किस चीज़ की, टेलीकम्युनिकेशन की, विच लेड टू द ओपनिंग ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर टू प्राइवेट कैपिटल एंड लूजिंग ऑफ द गवर्नमेंट मोनोपोलिस्टिक टाइट ऑन सेक्टर। 91 में क्या हुआ, बेसिकली जब टेलीकम्युनिकेशन की हमें ज़रूरत थी, उस समय टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को प्राइवेट कैपिटल लगाई गई टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, जिससे क्या हुआ, जो गवर्नमेंट की मोनोपोली थी वो लूज हो गई, क्योंकि उनके पास पहले जो गवर्नमेंट थी उन्हीं का अपना कम्युनिकेशन सिस्टम था, हमारे पास दूसरा सिस्टम नहीं था। लेकिन जब 91 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब आए, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर का थोड़ा सा पार्ट इम्पोर्टेंट हो गया, प्राइवेट सेक्टर की कैपिटल यूज़ करी गई, जिससे क्या हुआ, जो मोनोपोली थी गवर्नमेंट की वो ख़त्म हो गई। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो में आपको ये कंटेंट मेरा अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जनसंचार अचीवर्स। थैंक यू।